साध्वी जी, रितंभरा जी, आप मेरे साथ जुड़ी हैं। मैंने आपके चेहरे पर टेलीविजन पर खुशी और उल्लास देखा। आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको जब आपने देखा कि हाँ, आज भूमि पूजन पूरा हो गया? दीपक जी, 500 साल का लंबा संघर्ष रहा और बहुत बलिदान हुए, बड़े संघर्ष हुए, और आज जिस ऐतिहासिक मोड़ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही युगों के बाद हिंदू जाति को देखने को मिला है, इसलिए इसका आनंद तो अनिर्वचनीय है। साध्वी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, महात्मा गांधी ने भी हे राम कहा, उनकी समाधि पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो चाहे कोई भी राजा हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के अंदर राम राज्य की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कि देश में राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी भी परिकल्पना यही किया करते थे कि देश राम राज्य की तरह इसका शासन किया जाए। राम राज्य क्यों, आज थोड़ा दर्शकों को समझाइए। इससे बड़ी मशाल कहीं नहीं मिलती। अपने पिता की इच्छा के लिए जिन्होंने एक क्षण नहीं लगाया, अयोध्या में राज तिलक की तैयारी हो रही थी और वनवास का आदेश हो गया, और उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कोई छोटा हाथी जंजीरों से बांधा गया हो और फिर उसे जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। कितना अद्भुत आदर्श हमारे सामने है, वस्तु पदार्थ सत्ता सुख सुविधा, ये जीवन के लक्ष्य नहीं होते, वो धर्म राज्य से बाहर आए। एक सवाल उन लोगों के लिए जो इसका राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक धर्म के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति की। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी आए और पूरे देश में ज्यादातर लोगों को लग रहा था उनको आना चाहिए, ओवैसी की इस आपत्ति पर आप क्या बोलेंगे? और वो अभी भी कह रहे हैं कि वहां तो बाबरी मस्जिद है। अब वो ये ना बोलते दीपक जी तो आप फिर उनका नाम ही क्यों लेते, मुझे अपना स्वाद खराब नहीं करना उनका नाम लेके। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिनके दिलों की धरती बंजर होती है ना दीपक जी, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं, वहाँ मरुद्यान पैदा नहीं होते। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, वो सारे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारा भारत आज अयोध्या आना चाहता था, पर कोरोना काल था इसलिए संभव नहीं था, और मैं समझती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाग्य का उदय किया है अयोध्या नगरी आके भूमि पूजन करके। दीपक जी, जयराम जी की करता हूँ, भगवान राम की शान में दो लाइन गुनगुना दीजिए आप, या कोई एक 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 ऐसी बात बोल दीजिए जिसको सुन के आज दिल प्रसन्न हो जाए दर्शकों का। राम जी करा रहे हैं राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। जय श्री राम। दीपक जी आपकी भी जय हो, आप बड़े प्यारे हो, जय हो आपकी।